हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 40 इंच चेस्ट साइज पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आप यह इसका बैक पार्ट देख सकती हैं। बैक पार्ट में हमने इस तरीके से बैक ओपन ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहती हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे बना सकती हैं, या फिर आप कोई और भी बोटनेक पे आप कोई और डिज़ाइन भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम जो शोल्डर यूज़ करेंगे वो फुल शोल्डर है। यहाँ पे डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले पेपर पे करेंगे, फिर अपना अस्तर और मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो पेपर को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब नीचे की साइड से एक सीधा निशान ले लेंगे। पेपर वैसे हमारा सीधा ही है, अगर आप किसी और पेपर पे ले रही हैं तो पेपर को नीचे की साइड से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से लेना है लंबाई। लंबाई हम 15 इंच तैयार रखेंगे, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर रखेंगे 8.5 इंच, शोल्डर है 16 इंच, 16 का हाफ कर लेंगे और उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर हमें यहाँ पे फुल रखना है। अब आर्म होल भी रखेंगे 8.5 इंच पे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब ऊपर की साइड से शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और 5.5 इंच हम अपने गले में कट करेंगे। यहाँ से अपने गले की गहराई लेंगे। गला हमारा तैयार होगा 6.5 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना आर्म होल अंदर की साइड लेंगे 1 इंच और ऊपर की साइड से आर्म होल को डाउन करेंगे 0.25 इंच और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से अंदर की साइड लेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर हमने फुल लिया है, 1 इंच की दूरी से गुलाई दे देंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट 40 इंच है तो 40 का चौथा भाग 10 इंच, 1 इंच लूजिंग का। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए पेपर कम पड़ रहा है तो हम कपड़े पे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच से 2 इंच तक बढ़ा लेंगे। जितना आप रखना चाहती हैं उतना आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का देखिए, जो भी हमने ऊपर की साइड लगाया है वही निशान हम नीचे की साइड भी लगाएंगे। 10 इंच चेस्ट का चौथा भाग और 1 इंच लूजिंग का, और इस वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे। यानी टोटल हमने चेस्ट का जो निशान लगाया है वो 11 इंच लगाया है। अब यहाँ से ऊपर से डॉट पॉइंट लेंगे 11 इंच, आगे से 4 इंच की दूरी लेना है और ऊपर की साइड से 11 इंच लेना है। अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेना है। अब हम अपना प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से घुमाते हुए आर्म होल पे जो हमने निशान लगाया है उससे हमें 1 इंच ऊपर ही लेना है और इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है जो लूजिंग का, वो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे 0.5 इंच एक साइड से और 0.5 इंच एक साइड से। और बीच वाला जो सेंटर है जहाँ से हमने 11 इंच पे निश पॉइंट लगाया है वहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से तिरछा हल्का सा इसको गोल शेप में ही मिलाएंगे और नीचे से हम इसको गोल में मिला लेंगे। इसको यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, अच्छे से इसको इस तरीके से गुलाई में लेते हुए मिला लेना है। अब हम नीचे का डॉट लगाएंगे। तो नीचे कमर का देखेंगे 8.5 इंच है, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है वो डॉट लगाएंगे। यानी एक साइड से 1 इंच लेंगे और दूसरी साइड में 1.5 इंच लेंगे। आगे की साइड 1 इंच, यहाँ से 1 इंच रखेंगे और आगे वाले निशान पे 1.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच का डॉट ले लेंगे। ऊपर से हम 14 इंच पे लोअर चेस्ट का नाप लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ तक हमारा जो कट है वो सीधा आएगा। अब यहाँ से इसको तिरछा मिलाएंगे। अब इस निशान को हमें हल्की सी गुलाई लेनी है, पूरा इसको सीधा कट नहीं करना है, हल्का सा गोल शेप में लेते हुए इसको कट करना है। एक पॉइंट के बाहर बराबर हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे गुलाई दे देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी गुलाई ले लेंगे, इसको गोल शेप में इस तरीके से मिला लेंगे। और ये जो हमारा निशान है यहीं पर हमारा पफ अटैच होगा। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम अपने गले पे निशान लगाएंगे। तो गला आप जो भी रखना चाहती हैं, गोल गला, पान गला, वो बना सकती हैं। यहाँ पे मैं पान गला बनाऊंगी तो पान गले का यहाँ पे शेप दे दूंगी। तो इस तरीके से गले का शेप ले लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड, बनने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आने वाला है, तो आप पूरे विश्वास के साथ आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग नहीं करेंगे, गले की कटिंग हम पेस्टिंग पेपर से करेंगे। डॉट को यहाँ से कट करके अलग कर देना है।
तो ये हमारी कटिंग हो गई है, आप यहाँ पे देख सकती हैं। अब हम अपने कपड़े पे कट करेंगे। कपड़े को हमें डबल फोल्ड में रखना है, वन दिस साइड अपनी साइड को रखना है और अच्छी तरह से इस पेपर को सेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिंग लेना है, सिर्फ हमें इसी साइड में सिलाई मार्जिंग लेना है, बाकी सभी साइडों से हमें सेम कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा बीच वाला पार्ट कट हो चुका है। अब हम अपना दूसरा अस्तर लेंगे, यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिंग हम बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिंग चाहिए, तो हम 2 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिंग ले लेंगे। अब यहाँ पे गुलाई वाली साइड में भी हमें सिलाई मार्जिंग लेना है और सभी साइडों से बराबर से कट कर लेना है। इस तरीके से कि आगे की साइड हमें सिलाई मार्जिंग बढ़ाते हुए हमने इसको कट कर लिया है। अब हम अपना बाजू कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमें 4 राउंड में फोल्ड कर लेना है और जो भी आपकी बाजू की लंबाई है वो लेना है। यहाँ पे हम 9 इंच बाजू को तैयार रखेंगे, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आर्म होल को डाउन करेंगे 2.5 इंच, यहाँ से हम 2.5 इंच पे आर्म होल डाउन करेंगे। साइज आपका जो भी है, आपको आर्म होल 2.5 इंच ही डाउन करना है और ऊपर से आर्म होल की गुलाई ले लेनी है। आर्म होल की गुलाई 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच रख लेंगे। आगे से गुलाई ले लेंगे, आगे से गुलाई हम 6.5 इंच रखेंगे। थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा तो आप इसे टाइट भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको आगे से गुलाई ले लेना है और निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की साइड और 1/2 इंच बाहर की साइड लेते हुए आर्म होल की गुलाई दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम 2 पार्ट को ओपन करेंगे और गहराई को भी कट कर देंगे। तो ये हमारा बाजू कट हो चुका है। अब हम अपने गले का पेस्टिंग पेपर कट कर लेंगे। तो पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड में ले लिया है। यहाँ से हम 5.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, तो 5.5 इंच रखेंगे। आगे का गला 7 इंच है, तो 7 इंच रखेंगे। अगर आप 7 इंच ओपन करना चाहती हैं तो 7.5 इंच रख लीजिएगा। फ्रेंड, ज़्यादा गहराई नहीं देंगे क्योंकि गले की चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, तो गले की गहराई को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। बनने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आया हुआ है। इस तरीके से हम गले की पट्टी जितनी चौड़ी रखनी है उतना चौड़ा हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको अस्तर पे अपने प्रेस की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे दूसरी साइड में और यहाँ पे निशान ले लेंगे ताकि हमें जब सिलाई लगाएं तो दोनों साइड में हमारा जो सिलाई है वो बराबर से आ जाए। तो इस तरीके से देखिए, ये हमने निशान को लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ पे इस वाले अस्तर पे इसको अटैच कर देंगे। इस पार्ट का हम डबल पार्ट कट करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे डबल कट किया है। एक हमारा अस्तर के साथ अटैच होगा और इसमें हम अपना पफर अटैच करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, इस कटिंग और स्टिचिंग को आप एक बार मेरे कहने पे पूरे विश्वास के साथ आप इसे ट्राई करिएगा। आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो 100% आएगी। तो चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। Thank you.
यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकती हैं। बनने के बाद इसकी फिटिंग किस तरीके से आई है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और स्टिचिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।